देखने में देखिए क्या बढ़िया लग रहा है। एकदम कलरफुल स्पेशल जो है शेफ्स के रेसिपीज हैं ये स्पेशल। बढ़िया एकदम गर्मा गर्म कैसे एक इसमें जो है स्पाइसीनेस है हल्की ज़्यादा नहीं है। हे गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस आज हम करने वाले हैं फूड रिव्यू। तो मेरा बहुत टाइम से जो है मोमोज खाने का मन था, वो भी अंगीठी वाले के यहाँ से। तो अंगीठी वाला जो हमारा धर्मपुर में है, अब उसने नाम कर दिया अपना अंगीठी हॉट ड्राइव। तो आज मैंने ऑर्डर किया है उनके यहाँ का वेज हॉट ड्राइव स्पेशल। उनके कुछ स्पेशल शेफ स्पेशल आइटम रहता है, तो वो आज मैंने ऑर्डर किया है। तो ऑर्डर मैंने क्या क्या किया है उसमें, वो जब आएगा तब मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए जैसे हमारा ऑर्डर आता है वैसे हम करते हैं आज का रिव्यू स्टार्ट। तो लीजिए हमारा ऑर्डर आ चुका है ये अंगीठी से, एक बिल्कुल देसी ये थैले में। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और बाहर निकालते हैं क्या क्या ये बॉक्सेस हैं। एक, ये दो, प्लस ये तीन, तीन बॉक्सेस ये हैं, प्लस इसमें ये चटनी वगैरह है। तो दो हरी चटनी है और दो हमारी ये लाल चटनी है। तो ये हो गया, प्लस एक थैला ये दे रखा है, इसी में देखते हैं क्या चीज़ है। तो एक थैला हमारा ये दे रखा है, इसमें कुछ पैक करके दे रखा है गर्मा गर्म। क्या चीज़ है इसके अंदर कुछ पता नहीं मुझे। तो चलिए ये एक ये है, इसको यहाँ रख देते हैं अच्छे से सजा के, ऐसे रख देते हैं ऊपर से। पैकिंग के बारे में थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ मैं। तो चलिए इसको फटाफट हम करते हैं वो ओपन। ये मैंने ट्रे में लगा दिया है, तो अब मैं करता हूँ फटाफट इसको ओपन, फिर दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैंने ये सब ओपन कर दिया है, तो देखने में देखिए क्या बढ़िया लग रहा है। एकदम कलरफुल, मुंह में जो है पानी आने लगा है। तो चलिए बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो ये सब है हमारा वेज हॉट ड्राइव स्पेशल। तो ये सारे इनके स्पेशल जो है शेफ्स के रेसिपीज हैं ये स्पेशल। तो ये है हमारी चाप नूडल और ये है हमारे वेज डम्पलिंग्स। तो क्रीमी एकदम इसको रखा गया है, एक क्रीमी एक सॉस में जो है इसको बनाया गया है। प्लस ये है हमारा चाप रोल और ये है हमारे मोमोज, डेविल मोमोज। तो काफ़ी बढ़िया होने वाले हैं देखने में, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और प्लस ये दो सॉसेज हैं, ये एक रेड चटनी है और ये हमारी हरी चटनी है। तो चलिए फटाफट टेस्ट करते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है, और बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसकी पैकेजिंग की, इसकी क्वांटिटी की, प्लस इसकी प्राइसिंग की भी। तो चलिए फटाफट इसको हम करते हैं अब टेस्ट। तो चलिए करते हैं अब टेस्टिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ ये मोमोज, डेविल मोमोज। तो देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं, तो रहा नहीं जा रहा है इसको ऐसे रखे हुए। तो इसको सबसे पहले टेस्ट कर लेता हूँ मैं। तो एक प्लेट में मैं निकाल लेता हूँ। क्या खुशबू आ रही है, बढ़िया एकदम गर्मा गर्म, काफ़ी रेडिश एकदम इसकी जो ग्रेवी। मेरे मुंह से जो है पानी आ रहा है, बोला भी नहीं आ रहा है। तो इसकी जो ग्रेवी बना रखी है ना, काफ़ी बढ़िया ग्रेवी लग रही है। तो पहले तो ग्रेवी हम इसके टेस्ट कर लेते हैं। तो हल्के से एक इसमें जो है स्पाइसीनेस है, हल्की ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी स्पाइसीनेस है। तो खाने में जो है काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो इसमें जो प्याज इन्होंने यूज़ किया हुआ है ना, ये एकदम जो है इन्होंने गला नहीं रखा है, हल्का सा एक क्रंचीनेस हमको मिल रहा है। तो इसमें खाने में जो है इसके साथ ना मज़ा आ रहा है ग्रेवी में। अब मैं टेस्ट लेता हूँ ये मोमोज भी। गजब 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 गजब। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी ये फिलिंग दिखाता हूँ ये डेविल मोमोज की।
काफ़ी बढ़िया हैवी लोडेड कर रखे हैं मैंने ये मसाले इसके अंदर। तो चलिए एक नॉर्मल टेस्ट है इस मोमोज का जो इसके अंदर फिलिंग करी हुई है, और फिलिंग जो है ना इसके अंदर जो करी हुई है इन्होंने एक न्यूट्री डाली हुई है प्लस इसमें प्याज डाला हुआ है। तो टेस्ट जो है एक नॉर्मल टेस्ट है, एकदम बिल्कुल ही हाई फाई टेस्ट नहीं है। तो मेरा ये मानना है इसको खा के अगर जैसे फीलिंग जो रखी हुई है इन्होंने अंदर की, तो फीलिंग भी जो है हल्के से इसमें एक स्पाइसीनेस रखते हैं फीलिंग के अंदर। तो मेरे हिसाब से जो बाहर का जो मसाला है, जो बाहर की जो इन्होंने ग्रेवी बना रखी है हल्की सी एक स्पाइसीनेस, तो अंदर ये भी इसके साथ मैच करता मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है। बाकी तो टेस्ट जो है कि ग्रेवी का काफ़ी बढ़िया आ रहा है। तो चलिए मैंने ये डेविल मोमोज ट्राई कर लिए हैं और अब मैं ट्राई कर लेता हूँ साथ ही साथ ये वेज डम्पलिंग्स जो इन्होंने बिल्कुल एक क्रीम में तैयार किया हुआ है। तो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से, एकदम क्रीमी क्रीमी ये देखने को मिल रहा है। अच्छी क्रीम भी इसके ऊपर से और मैं डाल लेता हूँ। तो चलिए इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसी क्रीम में टेस्ट करता हूँ। काफ़ी बढ़िया जो है टेस्ट आ रहा है इसमें, हल्का सा एक तंदूर फ्लेवर होता है ना, तंदूर फ्लेवर है, तंदूर हमारे मेयोनीज होती है आई थिंक, मुझे लगता है कि इन्होंने ये यूज़ की भी है इसके अंदर। तो उससे टेस्ट जो है काफ़ी एक बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है, बढ़िया टेस्ट करने को मिल रहा है, हल्का सा इसमें टैंगीनेस भी है इस पेस्ट में, तो काफ़ी सही जा रहा है। अब मोमोज की देख लेते हैं, मोमोज कैसे हैं, इसके अंदर की फीलिंग कैसी है मोमोज की। लगभग जो है मोमोज की फीलिंग भी जो है इसके अंदर की भी सेम ही है। तो मेरे हिसाब से हर एक आइटम के लिए ये मोमोज जो सेम ही रखते होंगे, एक अलग ऐसे नहीं बनाते होंगे। फीलिंग भी देखिए सेम वैसी है जैसे उसमें थी, टेस्ट कर लेता हूँ। तो हाँ, इसकी जो अंदर की फीलिंग है मोमोज की वो सेम ही है जैसे हमारी पहले वाले उसमें थी, लेकिन इसमें हल्का सा चेंज लग रहा है क्योंकि मसाला जो है बाहर से चेंज है, इसलिए मोमोज का टेस्ट भी जो है अलग लग रहा है, बट फीलिंग जो है सेम ही है। ये क्रीमी से जो है तो ये टेस्ट जो है काफ़ी सही आ रहा है, क्रीमी क्रीमी टेस्ट मिलने वाला है इसमें, क्योंकि एक्चुअली पूरा क्रीम में ही डुबा के बना रखा है। तो टेस्ट जो है सही है इसका। चलिए दोनों चीज़ें हमने ट्राई कर लिया है, ये डेविल मोमोज भी प्लस ये वेज डम्पलिंग्स भी, और अब बारी आती है हमारी ये चाप रोल टेस्ट करने की। तो नूडल्स में बाद में टेस्ट करने वाला, क्योंकि नूडल्स जो है मुझे काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी कलरफुल लग रहा है, तो उसमें करूँगा बाद में। तो सबसे पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ ये रोल, ये चाप रोल है, ऐसे अलग दो दो पीसेस में दे रखा है काट के। इसके लिए मैं ये रेड सॉस निकाल लेता हूँ, ये चटनी है या गार्लिक सॉस है ये देखना पड़ेगा। ये एक्चुअली क्या है, गार्लिक सॉस है, इसमें काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं, इसे कवर को थोड़ा सा हम निकाल देते हैं। काफ़ी बढ़िया एक हैवी रोल लग रहा है ये, काफ़ी चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है अंदर से, काफ़ी लोडेड है ये। तो चलिए इसको पहले वैसे ही ट्राई कर लेता हूँ नई चटनी के। चीयर्स। टेस्ट इसका जो है काफ़ी सही लग रहा है। ये फिलिंग अगर हम देखेंगे ना, फिलिंग में इसके जो है इन्होंने चाप काट के डाल रखे हैं, छोटे छोटे पीसेज जो है सोया चाप के डाले हुए हैं इसके अंदर, प्लस इसमें और वेजिटेबल्स का भी यूज़ किया हुआ है। काफ़ी क्रीमी है अंदर से, ये क्रीम इसमें डाली हुई है इन्होंने, तो टेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया आ रहा है, क्रीमी क्रीमी। तो अब मैं टेस्ट लेता हूँ उस चटनी के साथ भी, गार्लिक सॉस के साथ। तीखा है सब, ये
गार्लिक सॉस। या मैं बात कर लेता हूँ इसकी बाहर के आउटर कवर की भी, काफी पतली लेयर है इसकी, खाने में जो है काफी आसान है। जैसे हमारी रुमाली रोटी होती है ना, उसी तरीके से हमारी ये रोल की जो बाहर ये रोटी बना रखी है वो बिल्कुल वैसी है। टेस्ट भी जो है इसका काफ़ी सही हो रहा है, हल्का सा इसमें मुझे स्पाइसीनेस लग रहा है और प्लस क्रीमी प्लस बिल्कुल वेजिटेबल से लोडेड प्लस ये चाप के पीसेस भी डाले हुए हैं ना। आनंद, काफ़ी मज़ा आ रहा है खा के। या मैं टेस्ट कर लेता हूँ फाइनल अपना ये चाप नूडल्स भी, इसको भी निकाल लेते हैं हम प्लेट में। काफ़ी वेजिटेबल्स इसमें यूज़ करी हुई है, काफ़ी एक कलरफुल लग रहा है ये। प्लस ये ऊपर से चाप के पीसेस डाले हुए ना इन्होंने, छोटे 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 पीसेस काट के, मज़ा आ गया भाई देख के। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं ये चाप नूडल्स भी। एकदम चटपटा, बिल्कुल स्पाइसी, हल्का सा स्पाइसीनेस भी है इसके अंदर। चाप के छोटे छोटे पीसेस कट करके दे रखे हैं इसमें ना, मज़ा आ रहा है इसको खा के। तो इसके साथ तो नूडल्स के अंदर टेस्ट जो है ना काफ़ी बढ़िया हो रहा है इसका। अगर नूडल्स का कलर भी जो है काफ़ी सही है, एकदम लाइट भी नहीं है और एकदम डार्क भी नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया कलर के, तो काफ़ी बढ़िया जो है तो नूडल्स की अगर मैं कलर की बात, तो नूडल के जो कलर है ना, तो ये नूडल्स का जो कलर है काफ़ी सही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डार्क कर रखा है सोया सॉस डाल के या लाइट कर रखा है बिल्कुल ही, जैसे हक्का नूडल्स होते हैं वैसा नहीं है, काफ़ी सही कलर है। और टेस्ट के मामले में भी काफ़ी सही है ये, इसमें हल्की सा स्पाइसीनेस है प्लस का जो नमक का वो है बैलेंस में नमक डाला हुआ है, तो टेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया है इसका। और प्लस ये चाप के साथ ना खाने में और ही मज़ा आ रहा है। तो चलिए टेस्ट तो मैंने सब चीज़ कर ली है, इनका जो खाना है ना काफ़ी सही लगा, हर एक चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। चलिए अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग हमारी ये है 399 का, ये एक्चुअली क्या है, मैंने कॉम्बो मंगाया था वेज हॉट ड्राइव स्पेशल, ये है पूरा, ये एक वेज कॉम्बो है। इसके अंदर आपके 4 आइटम्स थे, ये पहला आपका ये डेविल मोमोस प्लस आपका वेज डम्पलिंग्स प्लस आपकी ये चाप नूडल्स प्लस आपका चाप रोल। तो ये 4 आइटम हमें मिले इस कॉम्बो के अंदर, और इनकी जो प्राइसिंग है ये हमारी 399 रुपीज़ की है जो ये रेस्टोरेंट प्राइस है, प्लस जो हमारे एक्स्ट्रा जो डिलीवरी चार्जेस लगते हैं वो तो अलग ही है, लेकिन जो इनकी रेस्टोरेंट प्राइस है वो है हमारी 399 रुपीज़। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी क्वान्टिटी की, उस हिसाब से तो क्वान्टिटी हमारी जो है काफ़ी सफिशियंट है इस इतने खाने में से, इतने सब चीज़ में से मेरे हिसाब से 3 बंदे जो है आराम से खा सकते हैं मेरे हिसाब से। या मैंने बात कर ली इसकी प्राइसिंग की, इसकी क्वांटिटी की भी, तो ये दोनों चीज़ें मुझे ठीक लगी, प्राइसिंग के हिसाब से क्वांटिटी भी इसकी मुझे सही लगी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी पैकेजिंग की, जो मैं हमेशा हर वीडियोज़ में करता हूँ और आगे भी मैं करते रहूँगा। एक्चुअली क्या है, जैसे अंगीठी का नाम है ना, कि यार सबको पता कि अंगीठी कहाँ पे है, क्या अंगीठी क्या चीज़ बेचता है, तो ये सबको पता है। इतनी वहाँ पे रश होता है, इतना क्राउड होता है वहाँ पे, और लोग इतने दूर दूर से भी वहाँ पे खाने आते हैं। तो मैंने भी बहुत टाइम पहले खाया होगा, तो यार बहुत टाइम से मन था कि यार अंगीठी का खाना है, तो अंगीठी से मंगाता हूँ मैं, तो आज मैंने मंगाया। तो यार पैकिंग अगर मैं इसकी बात करूँ ना, यार पैकिंग बिल्कुल जो है दिल तोड़ दिया है मेरा, सही में यार दिल तोड़ दिया। जैसे मुझे लग रहा था यार इतना बड़ा नाम है अंगीठी का, इतनी क्राउड होता है, इतना अच्छा खाने को मिलता है, उस हिसाब से पैकिंग जो है मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल रेस्टोरेंट वाली लगी यार। ये और लगती और जगह रहती है ना, कहीं भी चले जाओ, किसी कार्ट में चले जाओ या किसी में चले जाओ, वहाँ जो है ये पैकिंग रहती है ऐसे सिल्वर फॉयल में देके। और ये आपके टेबल मोमोज भी आए थे, वो आपके जो
सिल्वर फॉइल होती है ना, वो पैकिंग वाली, जिसमें आप रबर बैंड बांध के आप देते हैं, वो उस वाली पैकिंग थी यार। तो मुझे जो है बिल्कुल सही नहीं लगा, काफ़ी एक्साइटेड था यार कि यार पैकिंग इनकी देखनी है कि इनकी पैकिंग कैसी है। तो जब यार लेके आया ना डिलीवरी मैन, तो यार पैकिंग देख के मुझे जो है मायूसी हो गई। तो खैर इन्हें पैकिंग बिल्कुल एक नॉर्मल ये इसमें पैक करके दे रखा है नॉर्मल फॉइल में। तो यार ये तो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी रहता है, तो मेरे हिसाब से यार ये अपने अगर रेस्टोरेंट की पैकिंग करते ना, जैसे बॉक्सेस है अपने रेस्टोरेंट के प्रिंट करके देते, तो मज़ा आता खा के यार। खोल के ही देखते ही मज़ा आ जाता है कि क्या पैकिंग है, वो मुझे नहीं देखने को मिली। तो खैर ये इनकी मर्जी है, क्यों नहीं इन्होंने किया अब तक, बहुत टाइम से चला रहे, क्यों नहीं इन्होंने ये किया अब तक, तो ये मेरा मानना था। अब उनकी मर्जी है वो कब करते हैं और कैसे करते हैं, वो उनका मानना है। तो चलिए आप भी टेस्ट करिए, आप भी घर में ऑर्डर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इनकी पैकेजिंग कैसे लग रही है और आपको इनका खाना कैसे लगा। तो चलिए मैं फटाफट करता हूँ सबको ख़त्म, क्योंकि अब वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वेट करेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा और ठंडे में जो है खाने का मज़ा बिल्कुल ही जो है आपका निकल जाएगा। तो चलिए जिन्होंने चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।